नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर देते हैं हिमाचल के मुख्य समाचार। आपदा के समय बचाव के लिए किस तरह अहम भूमिका निभाते हैं होमगार्ड के जवान, आप भी देखें ये वीडियो। अर्की के सालाघाट में हिमाचल होमगार्ड के 61वें स्थापना दिवस के दौरान जवानों ने रस्साकसी खेल में दिखाया अपना दमखम। अर्की के सालाघाट में हिमाचल होमगार्ड के जवान देवेंद्र शर्मा द्वारा बहुत सुंदर पहाड़ी गीत प्रस्तुत किया गया। वीडियो तेजी से हो रही सोशल मीडिया पर वायरल। अगर वन्य प्राणी विभाग में प्रशासन सतर्क है तो फिर पोंग झील किनारे वन्य प्राणी विभाग की बेस कीमती हजारों एकड़ खाली जमीन को कौन खरीद रहा है और यह किसके इशारे पर हो रहा है। कोर्ट के आदेश अनुसार पोंग झील किनारे खाली पड़ी वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर खेती करना प्रतिबंधित है तो सरेआम आदेशों की भी उल्लंघना हो रही है। वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर साधन संपन्न लोगों ने ट्रैक्टरों से बिजाई करनी शुरू कर दी है और बाड़ लगाने का काम भी जोरों से चल रहा है, जबकि वन्य प्राणी विभाग प्रशासन सहित पुलिस कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। रात के अंधेरे में दर्जनों के हिसाब से ट्रैक्टर वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर बिजाई कर रहे हैं और सारी रात अपने गांव में जुटे रहते हैं, परंतु इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कीरतपुर नहर चौक फोर लेन सड़क पर हादसे हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। ताजा मामले में फोर लेन सड़क पर सुंदरनगर की तरफ से डेहर जा रही एक बाइक स्किड हो गई। हादसे में हमीरपुर के दो युवक घायल हुए हैं। हादसे के बाद दोनों युवकों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल डेहर पहुंचाया गया है, जहां से दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद सिविल अस्पताल सुंदरनगर रेफर कर दिया गया है। सोलन शहर से अतिक्रमण हटाने के लिए चला प्रशासन का डंडा, जल्द अतिक्रमण मुक्त होगा शहर। सुने क्या कहना है एसडीएम सोलन का। कल और उसके बाद मंडे ट्यूसडे जब तक हम ये मॉल रोड, फिर गंज बाजार और शिलिनी मंदिर से सटा हुआ मार्केट और उसके बाद राजगढ़ रोड तक कोटला नाला तक कवर करेंगे, क्योंकि अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया और आम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो कंट्रोल्ड विड्थ है और उसके बाद एक्वायर्ड और कंट्रोल्ड विड्थ से भी लोग बाहर आ गए हैं। कंट्रोल्ड विड्थ के भी बाहर एक्वायर्ड को टच कर दिया है और कंस्ट्रिक्ट हो गया है रोड बहुत ज़्यादा। इस वजह से ये एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी हैदराबाद में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी को शपथ ग्रहण से पहले बधाई और शुभकामनाएं देते हुए। नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर किस किस कांग्रेस पार्षद की ताजपोशी, क्या कह रहे हैं पर्यवेक्षक विक्रमादित्य सिंह। सोलन में आज भी बैठकों का दौर रहा जारी। माननीय पार्षद, आज यहाँ पे जो बैठक का आयोजन किया गया था उसमें उपस्थित थे और जो मुझे ऑब्जर्वर के रूप में इसमें भेजा गया है, हमारे जो वरिष्ठ नेता है और मंत्री है आदरणीय हर्षवर्धन जी, उनको भी ऑब्जर्वर के रूप में भेजा गया है और यहाँ के जो स्थानीय मंत्री है और विधायक है डॉक्टर धनीराम शांडिल जी, तो सब ने मिलकर जो है वो जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं उनके साथ बैठकर जो है वो चर्चा करी है, सकारात्मक चर्चा करी है। और लोकतंत्र में सबके अपने अपने सुझाव भी होते हैं, अपना अपना व्यू पॉइंट भी होता है, तो डिटेल्ड सबके साथ बैठकर इसके बारे में चर्चा की गई है, जिसकी रिपोर्ट जो है हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सुक्खू जी और हमारी पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को दी जाएगी, जो सब ने अपनी अपनी बात रखी है। और कल सुबह इसके ऊपर ये फैसला लिया जाएगा कि किसको पार्टी की ओर से महापौर और उप महापौर के लिए जो है वो घोषित किया जाता है। धर्मशाला स्मार्ट सिटी में प्रतिदिन चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। धर्मशाला बॉयज स्कूल में चोरों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर स्कूल के शौचालय से नलों की टूटियां चुरा ली और फरार हो गए। बॉयज स्कूल में यह घटना कुछ समय पहले हुई थी। बाल मेले में गजब का टैलेंट, बच्चों की बेहतरीन प्रस्तुति ने मोहा मन को, आप ही देखिए यह सुखद नजारा। निपुण मेला हमारा है, ये सरकार की तरफ से भी आयोजित किया जाता है और इसमें हमने जो है विशेष औपचारिकता ये निभाई कि हमने सारे जो है पेरेंट्स को भी बुलाया है और हमने एसएमसी प्रेसिडेंट को इसमें मुख्य अतिथि जो है बुलाया है और
जो सदस्य यहाँ पर आए थे उन्होंने भी बड़ा योगदान दिया है, और विशेषकर जो हमारी मैडम जो हमारे साथ कार्य कर रही है सुजाता जी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसमें जो है सहयोग दिया है, और हमारे बहुत ज़्यादा हमारा विशेष स्थान रहा है, हमारे जो हायर स्कूल है उन्होंने हमारे को बहुत कोऑपरेट किया है, और उसमें हमारे विशेष ऑनर भी रहे हैं हमारे जो है मुख्याध्यापक महोदय और दिनेश सर TGT जो है, और इसमें हमने खाने पीने का व्यवस्था भी की है जो है SMC के लिए, और जो पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं उनके लिए सारे सबके लिए हमने खाने की व्यवस्था भी यहाँ पर की है। सर जो इसमें हमने विशेषकर ये देखा है कि हमने बच्चों को जो है पेरेंट्स के सामने ये पेरेंट्स को बताने की कोशिश की है कि हम बच्चों का जैसे भी हमने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं कि पहले पंजीकरण का है कि बच्चे का पंजीकरण हम कैसे करते हैं, इसमें ये भी बताया गया है कि हम स्कूल में कैसे जब बच्चा आता है तो किस तरह से हम उसका पंजीकरण करते हैं। कोरोना के बाद आई अब एक नई बीमारी चीन के बच्चों में फैल रहा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा निमोनिया भारत आज पहुंचा है। दिल्ली एम्स ने बताया कि अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 के बीच 7 बच्चों में इसी बीमारी के बैक्टीरिया पाए गए हैं। एम्स ने PCR और IDM एलिसा नामक दो परीक्षणों के जरिए चीन में इन बच्चों में सांस की बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा निमोनिया के 7 केस दर्ज किए हैं। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में आउटसोर्स पर तैनात IT शिक्षकों की सेवाएं 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर समाप्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज अपने विधानसभा क्षेत्र स्वराज पहुंचे हैं। स्वराज के अंतर्गत मगरूगला में हुए सड़क हादसे में बहलीधार पंचायत के चिमटी निवासी भीम सिंह जी की दुखद मृत्यु के उपरांत आज उनके घर पहुंचकर परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह की अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें JBC अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।